अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। फिरोजाबाद में आज चिराग सोसाइटी द्वारा चलाया गया स्वच्छता अभियान, जिसमें बच्चों को किया गया स्वच्छता के लिए जागरूक। फिरोजाबाद के सैलई चौराहा स्थित इकरा कॉन्वेंट स्कूल में आज एक स्वच्छता बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें चिराग सोसाइटी के डॉक्टर जफर आलम, वार्ड पार्षद इसरार अहमद, इकरा कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल रवि कुशवार रहे मौजूद। वहीं बच्चों को स्वच्छता किट बांटकर गरीब बच्चों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करने का कार्य भी किया गया। इस दौरान क्या कुछ था कहना सोसाइटी के कार्यकर्ताओं द्वारा, देखिए फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता करण कुमार की रिपोर्ट। कहां पे और किस तरह का कार्यक्रम किया गया? देखिए सर, चिराग बच्चों के लिए काम करता है और ये स्पेशली हम लोग चाइल्ड लाइन प्रोग्राम पिछले 9 वर्षों से चला रहे हैं और इसमें सभी तरह के बच्चे आते हैं, चाहे वो खोए हुए बच्चे हों या लापता हों या ऐसे बच्चे जिनके साथ किसी भी तरह का एब्यूज़ किया जा रहा हो। लेकिन फ़िलहाल में हम लोगों ने स्वच्छता के ऊपर भी कुछ एक्टिविटीज़ की हैं, जिसमें एक एक्टिविटी ये है कि आज हम लोग चिराग की तरफ से स्वच्छता किट बांट रहे हैं और इसमें उन बच्चों का चयन किया गया है जो बच्चे वाकई ही फैमिली उनकी पुअर है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये वो फैमिली से हैं जिनके यहाँ लेबर होती है, तो ऐसे बच्चों को और स्पेशली इसमें चाइल्ड लेबर वाले बच्चे ज़्यादा हैं, तो हम लोग तो बच्चों को स्वच्छता के बारे में ये बताने का प्रयास करेंगे कि स्वच्छ कैसे रहा जा सकता है और इस किट के माध्यम से उनका यूज़ बताएंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे है। और ये कार्यक्रम है और उसके साथ साथ चिराग के ज़रिए आप देखते हैं कि अक्सर हम लोग काफ़ी लोगों को जो बच्चों के साथ अब्यूज़ करते हैं या उनका शोषण करते हैं, मारपीट करते हैं, किसी भी तरह की घटना करते हैं, तो ऐसे काफ़ी लोगों को अब तक हम लोग जेल पहुँचवा चुके हैं बच्चों के संरक्षण के लिए।